जब हमारा मदरबोर्ड में 19 वोल्ट बन गया तो 19 वोल्ट बनने के बाद हमारा स्टेप डाउन वोल्टेज बनता है। तो हम स्टेप डाउन वोल्टेज को आज हम देखेंगे। स्टेप डाउन में हमारे वोल्टेज की स्थिति बनता है। तो सबसे पहले जो है स्टेप डाउन का आईसी को हम देखते हैं, इसमें हमारा ये किस तरह से ये एक्टिवेट होता है। तो कोई भी आईसी को इनेबल होने के लिए सबसे पहले उसको वी इन चाहिए, उसके बाद इनेबल चाहिए। अगर वी इन और इनेबल और ग्राउंड मिल गया तो वह आईसी जो है से मतलब अपना वोल्टेज को आउट कर देगा। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि हमारा जो ये आईसी है 3.5 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो आईसी, इसमें वी इन जो है 16 नंबर पिन पे मिल रहा है। वी इन 16 नंबर पिन पे मिल रहा है, जो कि जो वी प्लस यानी कि 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। उसके बाद वी इन के बाद हमें इनेबल मिलना चाहिए। तो ये इनेबल जो है 13 नंबर पिन पे आ रहा है, जो कि वी प्लस के नाम से एक डायोड और एक रजिस्टर के थ्रू होकर ये वोल्टेज डिवाइडर बना करके ये जो है इनेबल किया है। जब किसी भी मदरबोर्ड में वोल्टेज और इनेबल और ग्राउंड मिल गया तो ये कुछ आउटपुट करेगा। तो उस तरह से जो है ये एलडीओ आउट करेगा। तो जो एलडीओ आउट किया वो वीरेज 3 और वीरेज 5 के नाम से तथा ये वीरेज 2 वोल्ट रेफरेंस के नाम से आउट किया। तो सबसे पहले हमें 3 वोल्ट के एलडीओ का चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मदरबोर्ड ट्रिगर नहीं होता तो नोट ट्रिगरिंग के केस में सबसे ज़्यादा जो है एलडीओ का जो है से दिक्कत आती है। क्योंकि जब यदि एलडीओ वोल्टेज अगर शॉर्टिंग भी हो जाता है तो हमारा जो है से ये मदरबोर्ड ट्रिगर नहीं होती है। तो हम एलडीओ की वोल्टेज देखेंगे कि हमारा मदरबोर्ड में 3 वोल्ट जो एलडीओ बना है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम इसको सर्च किया 3 वोल्ट वीएलपी को और पेस्ट किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 वोल्ट वीएलपी जो कि यहाँ पे जो है R876 जो रजिस्टर है R876 जो कि रजिस्टर के थ्रू प्लस ईसी अंडरस्कोर वीसीसी के रूप में है। ये सॉयो के पिन नंबर जो है 111 पर गया है। तो हम सबसे पहले जो है एलडीओ को जो है 111 नंबर पिन पे चेक करेंगे कि हमारा जो है एलडीओ एसआईओ के 111 नंबर पिन पे बना कि नहीं। अगर नहीं बना तो हमें अगर एलडीओ वहाँ से निकल रहा है 3 वोल्ट 5 वोल्ट का जो आईसी है वहाँ से अगर एलडीओ निकल रहा है तो हम इस रजिस्टर को अच्छी तरीक़े से चेक करेंगे। उसके बाद ये कहाँ गया सो देखते हैं। उसके बाद जो है प्लस 3 वोल्ट की के जो है एलडीओ है ये 47 किलो के रजिस्टर के थ्रू ये VCIN0_PS जो कि ये थर्मल सेक्शन है जो कि 109 नंबर पिन पे गया है। उसके बाद प्लस 3 वोल्ट की जो है 200 किलो के रजिस्टर के थ्रू ये जो है EC_ACIN के नाम से जो है एक कहाँ गया है उसको हम देखते हैं। ये जो है EC_ACIN जो एलडीओ बना है एक एसआईओ के 110 नंबर पिन पे गया है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है, बहुत ही महत्वपूर्ण वोल्टेज है। क्योंकि अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो जो है अडाप्टर मतलब बोर्ड को पता ही मदरबोर्ड को पता ही नहीं चलेगा कि अडाप्टर से चल रहा है या बैटरी से चल रहा है। अगर ये बैटरी से चलता है तो सॉरी ये अडाप्टर से चलता है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज आता है, अगर यही अगर बैटरी से चलता है तो ACIN लो वोल्टेज आता है। तो ये हमारा ACIN बहुत ही महत्वपूर्ण वोल्टेज है। उसके बाद देखते हैं प्लस 3 वोल्ट जो एलडीओ बना है जो है कि ऑन ऑफ बटन पे गया। उसके बाद जो है 3 वोल्ट जो एलडीओ है ये आरटीसी सेक्शन में गया। आरटीसी सेक्शन जो है हमारा जो है जो मदरबोर्ड को ट्रिगरिंग के लिए बहुत ही खास ये सेक्शन है। आरटीसी सेक्शन जो है बहुत ही खास सेक्शन है। इसको हम ये लास्ट में देखेंगे कि हमारा मदरबोर्ड में ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद जो है 3 वोल्ट जो है एलडीओ है जो कि ये PU3 के मतलब जो आईसी है उसका वीसीसी के रूप में किया है, जो कि
थर्मल सेक्शन है, क्योंकि ये थर्मल सेक्शन है जो कि हॉट है, ये थर्मल है। एडाप्टर आईडी के रूप में ये आईसी के थ्रू यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद 3 वोल्ट पीज वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे एडेड लगा हुआ है, यहाँ पे आईसी नहीं है, इसको हम आगे देखते हैं। ये 3 वोल्ट पीज वैल्यू है, ये 100 किलो के रजिस्टर के थ्रू पुल अप है, जो कि चार्जिंग आईसी के एसी ओके के 5 नंबर पिन पे है, जो कि एसी इन के नाम से है, जो एसआईओ पे गया है कि मतलब हमारा मदरबोर्ड को ये मतलब डिटेक्ट करता है कि हमारा बैटरी मोड में चल रहा है या कि अडाप्टर मोड में चल रहा है। यहाँ से 3 वोल्ट के लिए निकला है। तो हमारा नोट टिग्रीन के केस में सबसे महत्वपूर्ण जो वोल्टेज है वो मतलब आरटीसी सेक्शन का वोल्टेज है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस सेक्शन से दिक्कत आता है नोट टिग्रीन के केस में। तो हम इसको सर्च करते हैं आरटीसी सेक्शन को। तो सर्च किया हमने आरटीसी सेक्शन को, तो जाके प्लस CHGRTC जो कि डुअल डायोड के रूप में है, जो कि ये जो है LDO वोल्टेज आता है, प्लस में ये जो है CMOS का वोल्टेज आता है। तो हम LDO को वोल्टेज से चेक भी कर सकते हैं आरटीसी सेक्शन, या CMOS बैटरी लगा के ही चेक कर सकते हैं, जो कि CMOS बैटरी जब लगता है तो 1 किलो के रजिस्टर से होकर के ही ये डायोड को पास करता है, लेकिन LDO जो है डायरेक्ट डायोड को पास कर देता है। तो हम डायोड को जब डायरेक्ट पास करता है तो हम देखेंगे कि ये आरटीसी सेक्शन प्लस आरटीसी VCC के रूप में जो बना है ये कहाँ कहाँ गया है। तो हम देखते हैं प्लस आरटीसी VCC कहाँ गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरटीसी VCC। तो देखिए आरटीसी VCC जो है सबसे पहले ये 20 किलो का 2 ठो रजिस्टर लगा करके PCH को जो है से गया है, PCH को गया आरटीसी सेक्शन में गया। ये आरटीसी सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है से सेक्शन है, क्योंकि नोट टिग्रीन केस में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं से आता है। तो सबसे पहले जो है 20 किलो का रजिस्टर लगा के PCH RTC RST हैच के रूप में गया है, और फिर यहाँ से ही 20 किलो के रजिस्टर लगा करके PCH RTC RST हैच के रूप में गया है, जो कि ये जो PCH _ SRTC RST हैच है, ये जो है रजिस्टर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो टॉलरेंस है 1% है। अगर ये 20 किलो का जो है जो मतलब वैल्यू होना चाहिए एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू 1% ही आगे पीछे हो सकता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं कि ये कहाँ गया है। उसके बाद देख रहे हैं कि एक R566 और R585 जो रजिस्टर है वो 1 मेगा के थ्रू और 330 किलो ओम के थ्रू। तो ये जो है SM इंक्लूडर है, जो कि PCH को गया है, PCH _ इनेबल के नाम से गया है, जो कि इस तरह से गया है SM इंक्लूडर है और PCH _ इनेबल के नाम से गया है RTC सेक्शन को, जो कि इस तरह से गया है। फिर यहाँ पे 330 किलो ओम का रजिस्टर के थ्रू DSWODVRE इनेबल भी ये जैसे PCH को गया RTC सेक्शन में ही गया, और फिर ये डायरेक्ट गया है प्लस RTC VCC के रूप में जैसे PCH को ही गया। तो हम देखते हैं कि जब हमारा ये सारा इनपुट सप्लाई RTC RST है, SRT RST है, इंक्लूडर है, इंटरव्यू इनेबल, जब हमारा आरटीसी सेक्शन में गया तो ये हमारा जो है क्रिस्टल एक्टिवेट होगा, जो PCH RTC X1 का जो क्रिस्टल होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि हमारा क्रिस्टल मदरबोर्ड में कहाँ पे है। जो है से ये क्रिस्टल है Y3 जो कि 10 मेगा ओम के रजिस्टर के थ्रू है PCH RTC X2 जो है से आया है। तो हम इस जो क्रिस्टल को जो है से DSO के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी 32.678 किलो हर्ट्ज आता है तो हमारे RTC सेक्शन ओके है। अगर एक मतलब जो है फ्रीक्वेंसी आ जाता है 32.768 किलो हर्ट्ज और हमारा जो है PCH
सर्च क्लॉक को एक्टिवेट कर देता है, सर्च क्लॉक के जो है एक्टिवेट कर देता है, यानी कि पीछे जहाँ से सर्च क्लॉक निकाल लेता है, तो मतलब हमारा पार्टीशन सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तब सर्च क्लॉक जो है से पीछे जो है से निकाल करके एसआईओ को भेजता है, पीछे एसआईओ को भेजता है, और हमारा आरटीसी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आरटीसी सेक्शन में दिक्कत होता है तो हमारा मदरबोर्ड नोट ट्रिगरिंग के केस में आ जाता है, क्योंकि आरटीसी का जो पावर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है। तो इस तरह से हम देख लिया कि हमारा मदरबोर्ड में एलडीओ का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है।